गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड, वेरी नाइस। सब अपना ध्यान रख रहे हैं? वेरी गुड। अच्छी अच्छी बातें सीखनी है बच्चों को, ठीक है? जैसे सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करना है, नहाना है टाइम से, ओके? हेल्दी फूड खाना है, नो जंक फूड, है ना? मिस से प्रॉमिस किया था ना, नो जंक फूड। यस, हेल्दी फूड खाने हैं, लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना? और घर में मम्मी पापा की, दादा दादी की, सबकी घर के छोटे छोटे काम करने में हेल्प करना है, है ना? ऑल गुड हैबिट्स सीखनी है, गॉड को प्रे करना है सुबह उठ के, है ना? वेरी नाइस। और साथ में खेल कूद तो करना है, खेल कूद के लिए मिस मना नहीं करती है, खेल कूद करना है क्योंकि ये भी ज़रूरी है, लेकिन सेफ्टी के साथ, है ना बच्चों? वेरी गुड। और होमवर्क करना है अच्छे से, पढ़ाई भी करनी है खेल कूद के साथ साथ, ठीक है बच्चों? वेरी नाइस, माय ऑल चिल्ड्रन इज़ वेरी स्मार्ट एंड वेरी गुड, है ना? वेरी ओबीडियंट, सब मिस की बात मानते हैं, वेरी नाइस। और बच्चों, आज हम सीखेंगे हमारा अगला लेसन हिंदी का, तो शुरू करें हमारी पुस्तक हिंदी मेरा पहला कदम। ओके चिल्ड्रन, तो बच्चों ये है हमारी बुक हिंदी मेरा पहला कदम। अब हम इसको खोलेंगे, तो ये है बच्चों हमारी आज की पुस्तक का पेज नंबर 22, पेज नंबर 23। हिंदी में कहते हैं 22, दो और दो 22, और दो और तीन 23, ठीक है बच्चों? पेज 22, पेज 23, तो शुरू करते हैं। ओके बच्चों, ये हमारा पेज 22, 22, यहाँ देखेंगे क्या लिखा है, लिखो और रंग भरो। एक बार और बोलेंगे टीचर के साथ, लिखो और रंग भरो, ठीक है बच्चों? अभी ये पहला चित्र देखेंगे, ये क्या है आप सबको पता है ना, ये क्या है? ये है पतंग, ठीक है बच्चों? ये है प से पतंग। तो ये जो यहाँ पे बॉक्स दिया है, इसके अंदर यहाँ पहले से ही प लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर हम बिंदुओं के ऊपर प लिखेंगे, स्लिपिंग लाइन, फिर ऐसे आधा चांद और स्टैंडिंग लाइन यानी सीधी रेखा। तो ये हमने लिखा प, प से पतंग, प से पतंग, प से पतंग। अब हम इसमें सुंदर सा रंग भरेंगे, आप अपने मनपसंद कोई भी चित्र में रंग भर सकते हैं, ठीक है बच्चों? तो यहाँ हम ये येलो कलर यानी पीला रंग चित्र में भर रहे हैं, ये देखिए। रंग भरते भरते साथ में अभ्यास करेंगे, बोलेंगे प से पतंग, प से पतंग, प से पतंग, ठीक है बच्चों? तो ये हो गया हमारा सुंदर सा रंग। अब हम देखेंगे दूसरा चित्र, ये क्या है आप सब जानते हैं ना, ये है छतरी, वेरी गुड। ये है छ से छतरी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे छ, ऐसे एक और बार घुमाएंगे, ऊपर ले जाते हुए गोल घेरा बनाएंगे जीरो के आकार का, फिर एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन, तो ये हमारा बन गया छ। तो बोलेंगे छ से छतरी, छ से छतरी, छ से छतरी, ठीक है? और अब हम इस छतरी के चित्र में सुंदर सा रंग भरेंगे, क्योंकि छतरी बहुत सारे रंगों की होती है, तो इसमें भी आप अपने मनपसंद कोई भी रंग भर सकते हैं, ठीक है बच्चों? जैसे यहाँ हमने पहले हरा रंग भरा, ये देखिए हरा रंग भरा, आप दो तीन रंग अलग अलग भी भर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने ये केसरी रंग भर दिया यानी ऑरेंज कलर, ऐसे लग रहा है ना सुंदर हमारी छतरी। इसके बाद आप और कोई कलर भी भर सकते हैं नीचे, जैसे यहाँ पे ये पीला रंग भर रहे हैं ऐसे, तो ये हमारी छतरी को हमने रंग भर दिए, ठीक है बच्चों? तो रंग भरते भरते भी बोलना है छ से छतरी, छ से छतरी।
अब आगे का चित्र देखें। तो बच्चों आगे का ये चित्र देखेंगे, ये क्या है? हाँ, ये है रसीला रसीला आम। तो आम कौन से अक्षर से होता है? आ से आम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आ, ऐसे, फिर आड़ी रेखा, सीधी रेखा, एक और सीधी रेखा और ऊपर आड़ी रेखा, आ से आम। सब बोलेंगे टीचर के साथ, आ से आम, आ से आम, आ से आम। अब हम इसमें सुंदर सा रंग भरेंगे। तो आम कौन से रंग का होता है बच्चों? वेरी गुड, पीले रंग का होता है आम, है ना। कोई कोई हरे रंग के भी होते हैं, जैसे कच्ची कीवी होती है तो हरे रंग की भी होती है। जब आम पूरी तरह पक जाता है तो वो पीले रंग का हो जाता है, यानी येलो कलर। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें सुंदर सा चित्र में पीला रंग भर रहे हैं। ये देखो, ये हमारा आम कितना सुंदर लग रहा है। आ से आम, आ से आम, आ से आम। और ये क्या है बच्चों? ये है इसका पत्ता। तो पत्ते कौन से रंग के होते हैं? पत्ते होते हैं हरे रंग के, है ना बच्चों। तो हम यहाँ इस पत्ती में हरा रंग भर रहे हैं, ये देखो। तो साथ में बोलेंगे आ से आम। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों अगला चित्र देखें। ये अगला चित्र है जहाज। ज से जहाज, जो कि समुद्र में चलता है, है ना बच्चों। तो यहाँ हम लिखेंगे ज, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, एक और छोटी सी स्लिपिंग लाइन और ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो ये लिखा ज, बोलेंगे सब ज से जहाज, ज से जहाज, ज से जहाज, ज से जहाज। अब हम इस सुंदर चित्र में रंग भरते हैं। तो देखें बच्चों, क्योंकि पानी का रंग नीला होता है तो हम यहाँ नीचे पानी में नीला रंग भर रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि पानी का रंग नीला नीला होता है। ठीक है बच्चों, ऐसे। तो ये हमारी लहरों में रंग भर दिया हमने नीला। और आप अपनी बोट में यानी जहाज में कोई भी सुंदर रंग भर सकते हैं। यहाँ हमने भरा ऊपर पीला रंग, ये देखो कितना ब्राइट और सुंदर लग रहा है। आप अपनी पसंद के रंग भी भर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा पसंद हो। ऐसे पीला रंग भरा। ठीक है बच्चों, फिर ये खिड़की में हमने अंदर नीला रंग भरा फिर से, ये देखो लग रहा है ना सुंदर। यहाँ भी नीला रंग भरा। तो अब हम इस हिस्से में जहाज के रंग भरेंगे, ऐसे। आप हल्के हाथ से धीरे धीरे रंग भरेंगे ताकि रंग फैले नहीं और बाहर नहीं निकले। ठीक है बच्चों, आप जितना स्लो स्लो रंग भरने का अभ्यास करेंगे उतने सुंदर रंग भर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। तो लग रहा है ना कितना सुंदर चित्र, ये जैसे जहाज, जैसे जहाज, जैसे जहाज। अब अगला चित्र देखेंगे, ये है, सबको पता है, वेरी गुड, ये है मछली। तो कौन से अक्षर से होता है? म, म से मछली। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? म। ठीक है बच्चों, ऐसे स्टैंडिंग लाइन, ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे रेखा को, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर एक और स्टैंडिंग लाइन, फिर ऊपर स्लीपिंग लाइन। ठीक है बच्चों, ये है म, म से मछली, म से मछली, म से मछली। मछली भी बहुत सारे रंगों की होती है, इसलिए आप मछली में भी अपना मनपसंद रंग भर सकते हैं। तो हम यहाँ भर रहे हैं ऑरेंज कलर। ठीक है बच्चों, ये देखो, आप येलो, ब्लू, कोई भी रंग भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे, लेकिन तेज़ी से नहीं भरना आपने।
ताकि रंग बाहर फैले नहीं। और अंदर की तरफ ऐसे आउटलाइन में पहले रंग भर लेंगे, फिर मध्य भाग में भरेंगे, उससे रंग फैलता नहीं है बाहर की तरफ। ठीक है बच्चों, फिर अंदर के सारे हिस्से को हम रंग से कवर कर लेते हैं ऐसे। ये मछली के छोटे छोटे पंख ऐसे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी मछली। म से मछली, म से मछली। तो बच्चों अब अगला चित्र देखेंगे। ये क्या है? ये है अंगूर। अंग से अंगूर, अंग से अंगूर। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? अंग ऐसे, फिर एक और बार ऐसे उल्टा सी, फिर एक आड़ी रेखा, एक सीधी रेखा ऐसे बंद करेंगे और उसके ऊपर एक बिंदु डालेंगे। तो ये हो गया अंग। अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर। ठीक है, अब सबको पता है कि अंगूर हरे हरे होते हैं, तो हम इन अंगूरों में हरा रंग भरेंगे ऐसे। अंगूर मीठे भी होते हैं और खट्टे भी होते हैं, है ना? अंगूरों का स्वाद खट्टा मीठा होता है। हम इसमें सुंदर सुंदर धीरे हरा रंग भरेंगे ऐसे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा चित्र में हमने रंग भर दिया। अंग से अंगूर, अंग से अंगूर। तो बच्चों अब हमारा अगला चित्र है इमली। ई से इमली। तो यहाँ हम लिखेंगे ई, छोटी ई। ई से इमली ऐसे। ई, ई से इमली, ई छोटी ई। ई से इमली, ई से इमली। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें चित्र में रंग भरें। यहाँ पे हरा रंग भरेंगे ऐसे। तो देखो बच्चों कितना सुंदर लग रहा है ये हरा हरा रंग। ठीक है, ई से इमली, ई से इमली, छोटी ई से इमली। ई क्या बोलेंगे? ई, ई से इमली। तो बच्चों ये है हमारा आखिरी चित्र। ये है, बताओ तो क्या है? ये है शलगम। क्या है? शलगम। तो यहाँ हम लिखेंगे श, श से शलगम ऐसे। बोलो श से शलगम, श, श से शलगम, श, श से शलगम। अब हम इसमें रंग भरेंगे बच्चों। अब हम इसमें रंग भरेंगे, ये देखो ऐसे। पहले जैसे मैंने बताया अंदर की तरफ रंग भरना है, अंदर में जो आउटलाइन है आउटलाइन में रंग भरना है, फिर मध्य के हिस्से में रंग भरते हैं ऐसे, तो उससे रंग बाहर की तरफ नहीं निकलता है। ठीक है बच्चों, ये हमने अंदर शलगम में हमारे रंग भर दिए। और ये जो सिरा है यहाँ हम भरेंगे हरा रंग ऐसे। तो बोलेंगे श से शलगम, श से शलगम, श से शलगम, श से शलगम। हमारा अगला अभ्यास पेज 23, 23। यहाँ क्या लिखा है? लिखो और रंग भरो, लिखो और रंग भरो। ठीक है, इसमें भी हम चित्रों में लिखेंगे यहाँ पे कौन सा अक्षर है और उससे ये कौन सा चित्र है, फिर उसमें हम रंग भरेंगे। तो ये हमारा पहला कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? क ऐसे, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर ऐसे गोल जीरो के आकार का, फिर यहाँ से नीचे की तरफ घुमाएंगे, तो ये बन गया क। क्या बना? क, क से कछुआ, क, क से कछुआ, क, क से कछुआ। अब हम इस सुंदर कछुए के चित्र में रंग भरते हैं। तो बच्चों हम इस कछुए में सुंदर सुंदर रंग भर रहे हैं, ये देखो
ऐसे धीमे धीमे रंग भरना है ताकि फैले नहीं और बाहर नहीं निकले। ठीक है बच्चों, ऐसे कितना प्यारा सुंदर चित्र है ना बच्चों। तो इसमें रंग भरते भरते आप बोलने का भी अभ्यास करेंगे। क से कछुआ, क से कछुआ। ठीक है बच्चों, ऐसे रंग भरना है धीरे धीरे। तो यहाँ कछुए की पूंछ में भी हमने हरा रंग भर दिया। ठीक है ना बच्चों, ये देखो कितना प्यारा चित्र है। क से कछुआ, क, क से कछुआ, क, क से कछुआ। बच्चों अब हम अगला चित्र देखेंगे। ये क्या है? ये है दवात यानी इंक। सबने पेन में देखा है ना, पेन में इंक होती है, उसको हिंदी में कहते हैं स्याही। ठीक है बच्चों, तो ये है जो स्याही की बॉटल होती है उसको कहते हैं दवात। द से दवात। तो यहाँ हम लिखेंगे द ऐसे। ठीक है बच्चों, ये है द, द से दवात, द से दवात, द से दवात। तो इस शीशी में अब हम रंग भरेंगे। देखो यहाँ पे पेन भी बना हुआ है क्योंकि इसके अंदर जो स्याही होती है उससे ही पेन चलता है। ठीक है बच्चों, समझे? तो आओ सुंदर सा रंग भरते हैं। तो देखो बच्चों ये चित्र कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे हमने भरा केसरी रंग। द से दवात, द से दवात, द से क्या होता है? दवात। ठीक है बच्चों, द से दवात, द से दवात। तो बच्चों अगला चित्र देखेंगे। ये क्या है? ये हम सब पैरों में पहनते हैं, है ना? ये है चप्पल। तो चप्पल कौन से अक्षर से शुरू होता है लिखने के लिए? च, च अक्षर से शुरू होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे च, आड़ी रेखा, सीधी रेखा, एक और छोटी सी आड़ी रेखा और इसको नीचे की तरफ घुमा के ऐसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमने लिखा च, च से चप्पल, च से चप्पल, च से चप्पल, च से चप्पल। अब हम इस चित्र में रंग भरते हैं। आप कोई भी रंग भर सकते हैं क्योंकि चप्पल बहुत सारे सभी रंगों की होती है, आप सबको पता है ना? नीली, पीली, हरी, गुलाबी, हर रंग की चप्पलें बाजार में मिलती हैं, है ना बच्चों? तो आपको जो भी सुंदर रंग लगे, जो आपको पसंद हो, आप इस चित्र में भर सकते हैं। यहाँ हम भर रहे हैं पीला रंग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमने चित्र में पीला रंग भरा। ये देखो कितना सुंदर चित्र लग रहा है ना? देखो बच्चों कितना सुंदर चित्र लग रहा है। एक बार और बोलेंगे च से चप्पल, च से चप्पल, च से चप्पल। आओ अब अगला चित्र देखते हैं। तो बच्चों ये है हमारा अगला चित्र। ये सुंदर सा पंक्षी कौन है? ये है उल्लू। ठीक है, तो उ यानी छोटा उ, छोटा उ से होता है उल्लू। तो ये हमने बनाई आड़ी रेखा, एक बार आधा घुमाया पेंसिल को, एक और बार घुमाया और लिखा उ, छोटा उ, उ से उल्लू, उ से उल्लू, उ से उल्लू, उ से उल्लू, उ से उल्लू। अब हम इसमें चित्र में रंग भरते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम पहले इसके फेस पे रंग भर रहे हैं। ये देखो धीरे धीरे हल्के हाथ से रंग भरना है, ज़्यादा दबाव नहीं डालना है। तो देखो बच्चों कितना सुंदर चित्र लग रहा है ना? उसे उल्लू, छोटा उ, उसे उल्लू, उ, उसे उल्लू। तो बच्चों अभी हमारा अगला चित्र है, ये है प्यारा प्यारा खरगोश। तो ख से होता है खरगोश। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ख ऐसे, फिर इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, फिर एक सीधी रेखा, फिर ये जीरो के आकार का ऐसे गोल घेरा
और ऐसे ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो ये लिखा हमने ख। ख से खरगोश, ख से खरगोश, ख से खरगोश। बोलो टीचर के साथ, ख से खरगोश। अब हम इस सुंदर से खरगोश में रंग भरते हैं। तो देखो बच्चों, ये सुंदर सुंदर कान है खरगोश के, इसमें मैं रंग भर रही हूँ ऐसे धीरे धीरे। अब इसके फेस पे यानी चेहरे पे रंग भरा। तो देखो बच्चों, कितना प्यारा और सुंदर खरगोश लग रहा है, ठीक है ना। ख से खरगोश, ख से खरगोश, ख से खरगोश। तो बच्चों ये है हमारा अगला चित्र। ये क्या है? वेरी गुड, ये है टमाटर, लाल लाल टमाटर, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा और फायदेमंद होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे ट, आड़ी रेखा, एक छोटी सी सीधी रेखा, और जैसे आप ए बी सी में सी लिखते हैं ना, बस ऐसे घुमाना है। तो ये बन गया ट। ट से टमाटर, ट से टमाटर, ट से टमाटर। टमाटर कौन से रंग का होता है? वेरी गुड, टमाटर होता है लाल रंग का, है ना। तो यहाँ हम रेड कलर भर रहे हैं ऐसे। तो देखो बच्चों, लाल लाल टमाटर कितना सुंदर लग रहा है। ट से टमाटर, ट से टमाटर, ट से टमाटर। अब हम अपना अगला चित्र देखते हैं। ये क्या है बच्चों? ये है घड़ी, जो हम हाथ में बांधते हैं, या फिर एक बढ़िया घड़ियाल होता है जो घर में दीवार पे भी लटका होता है, सबके घर में होता है, लेकिन ये हाथ में बांधने की घड़ी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हम लिखेंगे घ, क्योंकि घ से घड़ी होता है, ठीक है। आड़ी रेखा, फिर एक बार ऐसे गोल घुमाया, एक और बार घुमाया, और इसको ऊपर ले जाते हुए इसको सीधा नीचे ले आए, ऐसे स्टैंडिंग लाइन बना दिया। तो ये बन गया घ। घ से घड़ी, घ से घड़ी, घ से घड़ी, घ से घड़ी। अब हम इस घड़ी में सुंदर रंग भरते हैं, क्योंकि घड़ियाँ भी अलग अलग रंगों की होती हैं, तो आप अपने मनपसंद कोई भी रंग भर सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ हमने भरा नीला रंग इसके पट्टे में यानी बैंड में ऐसे, ठीक है बच्चों। और ये जो बीच की घड़ी है, ये हमने कर दी येलो कलर की यानी पीला रंग, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी सुंदर सी घड़ी में हमने रंग भर दिया, है ना सुंदर। घ से घड़ी, बोलो टीचर के साथ, घ से घड़ी। हाँ बच्चों, हमारा आज का अभ्यास कितना सरल था, कितना आसान था, है ना। हमने पढ़ाई भी की और चित्रों में सुंदर सुंदर रंग भी भरे, तो सबको मज़ा आया ना। वेरी गुड, तो घर में हम चित्र भी देखेंगे और साथ साथ हम इन अक्षरों को समझेंगे, बार बार उंगली रख के अभ्यास करेंगे, ताकि हमें पता चले कि कौन से अक्षर से कौन सा चित्र है, और कौन सी वस्तु है, कौन सा जानवर है, कौन सा पक्षी है, जो हमने सब पुस्तक में देखा और पढ़ा, ठीक है बच्चों। तो आप सब सेफ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, ठीक है। नो जंक फूड, नो मस्ती, खेलो कूदो लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मस्ती नहीं करना, अपना ध्यान रखना है सेफ्टी के साथ, ओके बच्चों। पढ़ाई करेंगे, होमवर्क करेंगे, ठीक है।